मैं मांग करता हूं कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हक की रक्षा करे सदन। आपसे मांग करता हूं गरीब मजदूर और जो किराएदार है उसके हक की रक्षा करे सदन। बड़े लोग विदेशों से एक बीमारी लेकर के यहाँ आ गई और जान पर आपड़ी गरीब और मेहनत कश मिडिल क्लास लोगों के ऊपर तरह तरह की बात होती है, आदेश जारी होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीब लोग जो मजदूर लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको लॉकडाउन के वक्त का पूरा वेतन फैक्ट्री के मालिक देंगे। लेकिन एक भी गरीब को हिंदुस्तान को अगर सच्चाई आप जानना चाहते हैं तो आपने बोला और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, मैं कोई पक्ष नहीं लूंगा, अगर गलती स्टेट गवर्नमेंट की होगी तो निश्चित रूप से छाती ठोक के विरोध भी करके मैं बोलूंगा कि यह चीज गलत है। हिंदुस्तान की सभी स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर दिया, डायरेक्शन जारी कर दिए कि हाँ सबको लॉकडाउन के वक्त का वेतन दिया जाएगा, लेकिन एक को भी नहीं मिला, एक भी आदमी को। इसलिए मैं मांग करता हूं इस सदन के अंदर कि आप कोई बिल लेके आए और आप बिल्कुल इस चीज के लिए स्ट्रिक्टली उसको जारी करवाएं। केवल बोलने से सस्ती लोकप्रियता हासिल करके पीछा नहीं छूटेगा, आप उस गरीब को उसका हक दिलाएं, उसको जो उसकी नौकरी छूट गई निकाला जा रहा है उसका वेतन नहीं मिल रहा है उसको दिलाएं। स्कूल लगी नहीं एक दिन भी, मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसा हो सकता है एक दिन बच्चा स्कूल में नहीं गया, कोई टीचर ने उसको पढ़ाया नहीं है। गरीब मजदूर है, महंगी महंगी फीस है, उसके घर पे रोज कॉल आ रहे हैं और आप ऑनलाइन क्लास चालू कर दे तो उसको बेइज्जत किया जाता है। उस गरीब मजदूर के बच्चे को फलाने लड़के आपकी फीस जमा नहीं हुई है, आपके पेरेंट्स को बोलिए फीस जमा कराएं। मैं कहना चाहता हूं इस सदन के अंदर एक भी व्यक्ति ने इस बात पर चर्चा नहीं की भाई इस गरीब की स्कूल की फीस कैसे माफ होगी। और सुप्रीम कोर्ट में गए अभिभावक गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर स्टेट की अलग अलग चीजें प्रॉब्लम है, अलग अलग स्थिति, आप हाई कोर्ट में जाइए वहां की गवर्नमेंट से बात करिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपने बोल दिया एक बार, बोलने से नहीं होगा, मेरे बहरोड में बुला के सारे स्कूल मालिकों को कहा कि बलजीत यादव जिंदा है तब तक यहाँ पे कोई किसी की फीस नहीं ले सकता, गरीब मजदूर की मेरी छाती पे चढ़ के फीस ले सकते हो, उसके लिए मुझे चाहे अरेस्ट कर लेना चाहे कह देना है कानून को नहीं मान रहा है, लेकिन कानून या तो बनाइए और नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से अन्याय नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे और जनता की डिमांड होती है वैसे ही कानून बनते हैं बिगड़ते हैं बनाए जाते हैं नहीं। इसलिए सरकार में मांग करता हूं कि ये कानून बिल लेके आए और उसको कहे, और अभी कई स्टेट ने किया, यूपी ने स्टेट ने किया नहीं माना, तो यूपी स्टेट ने एक बिल वो लेकर के आई, ऑर्डिनेंस जारी करवाया सेल्फ फाइनेंस इंडिपेंडेंट स्कूल एक्ट 2020, क्योंकि स्कूल मालिक को अगर आप कुछ नहीं कहोगे तो वो रुकेगा नहीं, केवल आपके भाषण से कहने से नहीं रुकेगा, आपको कोई भी ऑर्डिनेंस लेकर के आइए जारी करिए कोई एक्ट बनाइए तो आप कह सकते हो। ये कतई भी व्यवहारिक नहीं है कि एक दिन भी कोई स्कूल बच्चा गया नहीं और उससे फीस ली जाएगी। मकान किराया, सभापति महोदय, गरीब का किसान का बेटा यहाँ कोचिंग करता तैयारी करता है, वो बेचारा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, किराए पे मकान लेके रहता है, आपने लॉकडाउन कर दिया, वो अपने घर पे अटक गया, उसका सामान पड़ा है यहाँ पे मकान मालिक के पास, मकान मालिक कह रहा है कि मुझे किराया चाहिए लॉकडाउन के वक्त का भी, वो कैसे किराया दे? वो किसान उस बेचारे के कमाई बंद, फसल उसकी उजड़ गई, मजदूर की फट्टी में नौकरी छूट गई, सब कुछ बर्बाद हो गया उसका, और फिर उससे कह रहा बिजली का बिल आ रहा है, वो बिजली का बिल माफ करना चाहिए उसका। और वो मकान किराया, आप अगर कोई वास्तव में नीडी है, वास्तव में कोई गरीब है मकान मालिक कि उसके सब कुछ उसी पर चलता है, तो सरकार सर्वे करवाए और केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के वो मकान किराया दे, कोई बहुत ज्यादा किराया नहीं है। आप सैनिटाइजर छिड़का रहे हो, सब बातें करें, सैनिटाइजर छिड़को, कुछ नहीं होना सैनिटाइजर, पानी छिड़केंगे खा जाएंगे लोग बाग। इसलिए आप ये चीज करने के बजाय मकान का किराया दें, बिजली का बिल माफ करें और वो जो मजदूर है उसको उसका हक दिलाएं, उसको उसका वेतन मिले, ये चीज सुनिश्चित करें। पड़ोस का स्टेट मध्य प्रदेश अभी कह रहा है केवल मध्य प्रदेश के लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, मैंने पहले भी पिछले सदन में इस बात को उठाया था, 21 स्टेट हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिसके अंदर राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं उनके सिलेक्शन की जो परसेंटेज देखो जीरो है, वहां नहीं लिया जा रहा है। अगर या तो हो कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट ये बाउंड नहीं करे कि हमारे स्टेट का आदमी नौकरी लगेगा, और अगर लगेगा तो राजस्थान के जवान के साथ फिर अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार जहां भी कानून लेके आए सारा ठेका राजस्थान के युवा ने नहीं उठा रखा कि सारी कीमत राजस्थान का युवा उठाएगा। आपके बिजली विभाग में मंत्री जी बैठे, आईएन जेएन के एग्जाम होते हैं उसके कहते हैं राजस्थान में नहीं करा सकते, बाहर होते हैं। पहले
पहले राजस्थान का जी के आता था 25%, तब सिलेक्शन होते थे बाहर के लोगों के 5%, अभी उसको हटा दिया यहाँ के राजस्थान के जीके को, तो सिलेक्शन अभी कितना रिजल्ट में आया 61.8% बाहर के लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ के राजस्थान के लोग आ गए। इसलिए मैं मांग करता हूँ एक खत्म करो, एक मिनट पीडब्ल्यूडी में हुआ उसके अंदर जीके है राजस्थान की, उसमें 5% बाहर के लोग आए। मांग करता हूँ कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हक की रक्षा करे सदन, आपसे मांग करता हूँ गरीब मजदूर और जो किराएदार है उसके हक की रक्षा करे सदन, ये मैं मांग करता हूँ और इसके ऊपर बिल लाया जाना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय।